हे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक ही होंगे। तो आज की वीडियो ये है कि हमारे गांव के करीब एक जगह है, तो उसे हम बोलते हैं भट्टा। आम सी जुबान जो हमने शुरू से सुना है उसका नाम वो है भट्टा। आप उसको बोल सकते हैं देसी ट्यूबवेल। वो पानी उठा के, नहर का जो पानी होता है वो उठा के ऊपर जगह पर फेंकता है। ये यहाँ से पानी आता है नहरें, और जो ज़मीन है वो यहाँ पर है, तो वो पानी उठा के ऊपर वाली ज़मीनों को देता है। इसी वजह से उसका नाम आ रहा है भट्टा। और वो काम भी पूरे भट्टे की तरीके से करता है, उसके अंदर भट्टे लगे हैं। और मोटर पर भी चलता है और ट्रैक्टर पर भी चलता है, तो ज़्यादातर इसको ट्रैक्टर पर चलाते हैं क्योंकि हमारे गांव में लाइट का बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत अच्छा व्यू है और फोटोग्राफिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। मेरे काफ़ी दोस्त आते रहते शहर से, तो उन्हें टूर पे लेके जाता हूँ, पर वो बोलते हैं नहीं यहाँ पे ना आना है क्योंकि इस जगह का एक अलग ही लुक है। अच्छी भी जगह है और यहाँ पे स्लिप भी बनी हुई है और वहाँ पे बैठते हैं, पानी खुद ही उड़ा के इधर तक ले जाता है क्योंकि पानी का बहुत प्रेशर होता है। और भट्टा है, आपको लग रहा है कि पानी मेला है पर ये पानी साफ़ होता है क्योंकि ज़मीन से उछलता है ना, तो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी पानी में मिक्स होती रहती है, तो इसी वजह से ये पानी मेला आपको नज़र आ रहा है। भाई मेहनत होती है वीडियो बनाने में, इतनी आसान तरीके से वीडियो नहीं बनती। हमारे साथ हो गया सीन, हमने इतना नहा लिया पर जब आके मोबाइल पे देखा कैमरा ऑफ ही लगा पड़ा था, कैमरा ऑन नहीं हुआ। फिर ये हो गया अच्छा सब सीन। मैं जब आया मोबाइल, मैंने बोला चलो वीडियो बंद करता हूँ, पर देखा मोबाइल ही ऑफ पड़ा है, कैमरा ओपन ही नहीं हुआ। हो गया है सीन, तो अभी नया सीन रिकॉर्ड करते हैं, आ जाओ।